नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण नेत्रयम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चैत्र नवरात्रि की समस्त देशवासियों को समय जगत समूह की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। लोकसभा चुनाव से पहले लगातार कांग्रेस में बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सदस्यता ले रहे हैं। इसी तारतम्य में समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने कांग्रेस कार्यालय में सदस्यता ग्रहण की। इसमें कांग्रेस में मंत्री रहे रत्नेश सोलोमन के पुत्र व पुत्री व सपा नेता आदित्य भुवन विक्रम सिंह भी शामिल हुए। मेरा नाम भुवन विक्रम सिंह है। पिछले विधानसभा चुनाव में पवई विधानसभा से समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी था। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से हम लोग हमेशा से प्रभावित रहे हैं। इसके पहले, विधानसभा चुनाव के पहले भी मैंने लगातार यूथ कांग्रेस में रह के पार्टी की सेवा की है, पार्टी के लिए काम किया है। पिछले विधानसभा चुनाव के समय कुछ समस्या हम लोगों की लोकल प्रत्याशी से रही थी, जिसके बारे में मैंने कांग्रेस आलाकमान से चर्चा भी की थी, पर जो भी परिस्थितियां बनी बात साफ नहीं हो पाई। परिस्थितियां ऐसी बनी कि मुझे चुनाव लड़ना पड़ा और मेरी उम्र ऐसी थी, ऐसी है अभी, कि मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी था कि मैं एक चुनाव लड़के और जो ज़मीनी चीज़ें होती हैं वो सीखता। तो इस कारण से मैंने ये चुनाव लड़ा था। पर हम लोग हमेशा से कांग्रेस विचारधारा से जुड़े रहे हैं, राहुल गांधी जी के नेतृत्व से हमेशा प्रभावित रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि चुनाव जब खत्म हो गया है तो वापस हम लोग पार्टी की सेवा करने के लिए वापस आए। खबर समय जगत के लिए शक्ति भारती, भोपाल। इस प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय।